अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल है। इस समारोह का इंतजार राम भक्तों को न जाने कब से था, और इन्हीं राम भक्तों में से एक हैं झारखंड की करीब 85 साल की सरस्वती देवी, जिन्हें अयोध्या में मौनी माता के नाम से जाना जाता है। सरस्वती देवी लगभग 3 दशकों से मौन व्रत पर हैं। साल 1992 में अयोध्या में जिस दिन विवादित ढांचे को ध्वस्त किया गया, उसी दिन सरस्वती देवी ने प्रतिज्ञा की थी कि वो तब तक मौन व्रत पर रहेंगी जब तक राम मंदिर का उद्घाटन न हो जाए। अब जब वो शुभ घड़ी आने वाली है, तब वो अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। इतने सालों से सरस्वती देवी सांकेतिक भाषा के जरिए परिवार के सदस्यों से बातचीत करती रही हैं। वो लिखकर भी लोगों से बात करती रही। इसी बीच उन्होंने अपने मौन व्रत से कुछ समय का विराम लिया था और साल 2020 तक हर दिन दोपहर में 1 घंटे बोलती थी। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी, उसी दिन से उन्होंने पूरे दिन का मौन धारण कर लिया। ये नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये बराबर अयोध्या जाती रहती है, जाती रहती थी और अभी भी जाती है। तो नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये जब वहाँ बाबरी मस्जिद का ध्वस हुई, उस समय ही प्रण ले ली कि जब तक राम लला को हम नहीं देख ले अपने हाथ से इस मंदिर में, तब तक मैं मौन व्रत में रहूंगी। और आज तक मौन व्रत में कितने साल हो गए? करीबन 30 साल हो गए। अब इनका मौन व्रत कब टूटने वाला है? 22 के बाद देखे, 22 को इनका मौन व्रत टूटने, मतलब कहाँ पे टूटेगा? अयोध्या में बुलावा इनको आया, नित्य गोपाल दास जी के सामने ही खुलेगा, उनके शिष्यों के सामने। ये उनको बुलावा आया है क्या अयोध्या से? अयोध्या से जो नित्य गोपाल दास जी के शिष्य द्वारा इनको बुलाया गया है। सरस्वती देवी को महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्यों ने राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। साल 1986 में अपने पति की मृत्यु के बाद सरस्वती देवी ने अपना जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया और अपना ज्यादातर समय तीर्थ यात्राओं में ही बिताया। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के ध्वस्त होने के बाद सरस्वती देवी ने अयोध्या का दौरा किया और महंत नृत्य गोपाल दास से मिली। उनसे मिलने के बाद सरस्वती देवी ने राम मंदिर के निर्माण तक मौन व्रत का संकल्प लिया, क्योंकि उनका मानना था कि वो इसी व्रत के जरिए राम काज में अपनी भूमिका निभाएंगी। अब लगभग 30 साल के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो सीताराम कहकर अपना मौन व्रत तोड़ेंगी।